देख रहे हैं तेजस 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ कीर्ति सिंह। आइए नजर डालते हैं खबर की ओर। कांग्रेस प्रदेश प्रभारी प्रियंका गांधी व प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू के निर्देश पर लड़की हूं लड़ सकती हूं। महिला शक्ति संवाद कार्यक्रम के तहत यूपी टीम में प्रदेश सचिव विजय मिश्रा, पूर्व जिला अध्यक्ष उषा दुबे, जिला अध्यक्ष दिनेश पालीवाल ने जिले भर से आए मीडिया बंधुओं को संबोधित किया। इस दौरान प्रदेश सचिव विजय मिश्रा ने बताया कि लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, हम वचन निभाएंगे। प्रतिज्ञा के अंतर्गत महिलाओं को राजनीतिक मंच पर उनकी 40% सहभागिता करना ही मेरी पार्टी का लक्ष्य है। हमारी पार्टी जो कहती है वह करती है। हमारी सरकार बनने पर छात्राओं को स्मार्टफोन और स्कूटी देंगे, महिलाओं को सालाना 3 गैस सिलेंडर मुफ्त देंगे, महिलाओं को फ्री बस यात्रा कराएंगे, नए सरकारी पदों में 40% महिलाओं की नियुक्ति करेंगे, आशा बहु को 10,000 प्रतिमाह मानदेय देंगे, वृद्ध विधवा महिलाओं को 1,000 रुपए प्रतिमाह देंगे, नए सरकारी पदों में महिलाओं को 40% नियुक्ति अनिवार्य करेंगे। पूर्व जिला अध्यक्ष उषा दुबे ने बताया कि वर्तमान में भाजपा सरकार में महिलाएं सुरक्षित नहीं है, हमारी सरकार आने पर हम महिलाओं की सुरक्षा की गारंटी देंगे और हमारी सरकार में हमेशा महिलाओं की भागीदारी हमेशा सुनिश्चित रही है और आगे भी रहेगी। जिला अध्यक्ष दिनेश पालीवाल ने कहा कि हमारी पार्टी ने इससे पूर्व भी वादे किए थे, वह वादे हमने निभाए और जहां भी हमारी सरकार है वहां हमने वादे निभाए हैं। उत्तर प्रदेश में हमारी सरकार आने पर हम महिलाओं से किए हुए वादे पूर्णतया हमारी पार्टी निभाएगी। वैसे भी हमारी पार्टी में हमेशा महिलाओं की भागीदारी हमेशा सुनिश्चित रही है और आगे भी हम सुनिश्चित रखेंगे। कन्नौज जिला संवाददाता शिबू सैनी की रिपोर्ट। अभी जैसा कि हमारी पूर्व उषा जी ने बताया कि प्रियंका जी ने शक्ति संवाद कार्यक्रम कल लॉन्च किया, जिसका उन्होंने रायबरेली से कल आगाज भी किया है। तो लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, एक उन्होंने कहीं ना कहीं महिलाएं जो पीछे रह जाती हैं उन्हें आगे बढ़ाने का काम किया। आप देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में हाथरस की घटना हो, चाहे उन्नाव की घटना हो, चाहे अन्य घटनाएँ हों, कहीं ना कहीं महिलाओं के साथ बदसलूकी हुई और उनको न्याय नहीं मिला। तब हमारी नेता माननीय प्रियंका गांधी जी सड़क पर उतनी और हाथरस भी गई, उन्नाव में भी गई और उन्नाव में जो घटना घटित हुई उसमें सत्ता पक्ष के विधायक को आज जो तिहाड़ जेल में बंद भी है उनकी अपनी सदस्यता भी गई। तो उनका एक अपना सोचना था, उनका एक अपना व्यू था कि महिलाओं को भी पुरुष के तरीके से आगे बढ़ाना चाहिए। तो उन्होंने ये जो लड़की हूँ लड़ सकती हूँ का नारा दिया और नारा ही नहीं दिया बल्कि उन्होंने एक बड़ी घोषणा की, सरकार बनेगी तब बनेगी, लेकिन अभी उन्होंने ये कहा कि अब 40% रिजर्वेशन महिलाओं को उत्तर प्रदेश में, जो हमारी 403 विधानसभा क्षेत्र है उनमें हम 160 सीटें महिलाओं को उत्तर प्रदेश में देंगे। दूसरी जो उन्होंने बड़ी घोषणा की कि हम इंटर पास बच्चियों को स्मार्टफोन और ग्रेजुएशन पास लड़कियों को स्कूटी देंगे। तो ये घोषणाएं नहीं है, कांग्रेस जो कहती है वो करती भी है। साथ ही उन्होंने उन महिलाओं का भी दर्द समझा जो कहीं ना कहीं आज महंगाई की वजह से उनके घर में सही से चूल्हे नहीं चल पा रहे हैं। तो उन्होंने 3 गैस सिलेंडर साल में देने का वादा किया कि हमारी सरकार सत्ता में जब आएगी तो जो 14 प्रतिज्ञाएं हमारी नेता माननीय प्रियंका गांधी जी ने की उनमें एक ये भी है कि हम 3 सिलेंडर जो है उनको फ्री देंगे। साथ ही आशा बहुएं आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों का भी मानदेय, ये जब हमारा मैनोफेस्टो उन्होंने जब ये प्रतिज्ञाएं की आपने देखा होगा कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश सरकार उसके बाद चेती और उन्होंने भी इस दिशा में आगे काम बढ़ाने का काम किया है, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि कांग्रेस की कथनी और करनी में कोई अंतर नहीं है। तो उन्होंने कहा कि हम 5,000 रुपये से उसको 10,000 रुपये करेंगे, वृद्धा पेंशन विधवा पेंशन उसको भी दुगुना करने का उन्होंने बात कही। तो तमाम ऐसी योजनाएं उन्होंने कही। दूसरा जो सबसे बड़ी वो है कि उन्होंने ये भी कहा कि प्रदेश में वीरांगनाओं के नाम पर 75 दक्षता विद्यालय। आज हमारे जिले में महिलाओं का विशेष तरीके से है, महिला शक्ति का एक तो अपना हम लोगों का अपना एक अलग कार्यक्रम है और जो हम लोगों को जो रिजर्वेशन हो रहा है प्रियंका जी के यहाँ से उसमें बहुत ही महिलाओं की हौसला अफजाई भी है। और साथ ही कि जब हमारे प्रदेश में
महिलाओं का भी कोई भी जो आज की ये हालात है आज के भाजपा के, कहीं भी महिलाओं का कोई भी कहीं भी बचाव या सुरक्षा या कहीं भी उनका कोई वो नहीं है, कोई भी कहीं व्यवस्था ही नहीं। तो इस बात को लेकर के शुरुआत हमारी प्रियंका जी ने की और हमारे प्रदेश की लड़कियों के लिए, प्रदेश की महिलाओं के लिए और युवा बच्चियों के लिए पूरा समर्पण उन्होंने किया। जहाँ जहाँ ये व्यवस्थाएँ हुई, जहाँ जहाँ उनके साथ व्यवचार हुए, जहाँ जहाँ उनको प्रताड़ित किया गया, वहाँ हर जगह पहुँची। और साथ ही केवल महिलाओं के साथ ही नहीं है, वो किसानों के लिए और प्रदेश में और भी चीज़ों को लेकर के चल रही हैं। और इस बात की हमें बहुत ही प्रसन्नता है कि उन्होंने जो है 40% आरक्षण के लिए महिलाओं के लिए विशेष बात कही है। इससे जो है हमारी प्रदेश की पूरी महिलाओं को बल मिलता है। जहाँ पर महिलाएं एक तरफ से किनारे कर दी जाती थी, कोई नहीं पूछता था, आज वो सब जगह जहाँ भी प्रियंका जी चाहती हैं वहाँ महिलाएँ एकत्रित हो रही हैं, महिलाओं को पूरा पूरा सहयोग दे रही हैं और महिलाएँ वोट मांगने के लिए सबसे आगे आगे आ भी रही हैं। मैं तो समझती हूँ कि जो महिलाओं का जो कदम उठाया उन्होंने, मैं तो बैकग्राउंड चली जाती हूँ इंदिरा जी के, इंदिरा जी ने पूरे हिंदुस्तान को जो एक महिलाओं की हौसला अफजाई की थी, महिलाओं के लिए विशेष कार्यक्रम अपनाए थे, वो आज उन्हीं की देन है। आज उनकी पोती प्रियंका जी जो है पूरे हिंदुस्तान को एक ऐसा रास्ता दिखा रही हैं। और हर रास्ता हमारे उत्तर प्रदेश से जाता है, जब उत्तर प्रदेश से होकर के जाता है इसका संदेश पूरे देश में जाता है। मैं समझती हूँ कि ये महिलाओं के लिए बहुत बड़ी एक अलग तरीके की एक स्थान रखती है। मतलब महिलाएं अपना योगदान दें और महिलाओं अपनी सुरक्षा प्रदान अपनी खुद अपनी सुरक्षा करें, और जो महिलाओं को दबा कर रखा जा रहा है वहाँ महिलाएं अपने आप को मजबूत अपने आप को दिखाएं। और हर क्षेत्र में महिलाएं अगर मजबूत होंगी, लड़कियां बच्चियां हमारी मजबूत होंगी, तो मैं समझती हूँ गलत काम नहीं होंगे और गलत ही एक्शन नहीं होंगे। कोर्ट कितना भी सहयोग दे लेकिन फिर भी हालात अच्छे नहीं हैं। लड़कियां डरती हैं, उनको डरना नहीं चाहिए, उनको एक मजबूती से अपनी एक परिवार की और अपनी खुद सुरक्षा करते हुए आगे समाज में आगे आना चाहिए। और ये सचिव विजय मिश्रा जी आपको बता ही चुके हैं कि महिला सशक्तिकरण पर आज का कार्यक्रम रखा गया है। हमारी राष्ट्रीय नेता उत्तर प्रदेश की प्रभारी बहन प्रियंका गांधी जी के द्वारा एक महिलाओं के लिए जो उत्तर प्रदेश में एक रूपरेखा कार्यक्रम बनाए गए हैं उसके विषय में ये कार्यक्रम किया जा रहा है। कि आपको पूरे वचन भी प्रतिज्ञाएँ भी बता दें कि हम 40% उनको टिकटों में भी स्थान देंगे, 40% उनको सरकारी नौकरी में भी निश्चित स्थान करेंगे, 3 सिलेंडर भी देंगे। तो जो महिलाओं को किस प्रकार से मजबूत करें उस पर हमारी नेता पूर्णतया वचनबद्ध हैं और उसी के तहत ये कार्यक्रम किया जा रहा है। हमारे प्रदेश सचिव बता ही चुके हैं कि अभी हम इस कार्यक्रम के बाद कल हम लोगों को क्या थोड़ा लखनऊ जाना है, इसके बाद 22-23-24 जिसमें हम प्रत्येक विधानसभा में एक महिला सशक्तिकरण पर एक पदयात्रा का कार्यक्रम भी करेंगे। ऐसी खबर से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहें तेजस 24 न्यूज़।